चेन सीढ़ी के रिंग को नापने का जो तरीका हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, वो आप हर साइज के स्टेप में अपना सकते हैं और ये बिल्कुल कारगर तरीका है। और ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपका जो स्टेप का रिंग है जो वो एकदम एक्यूरेट बनेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, आज की वीडियो हमारी चेन सीढ़ी के रिंग से रिलेटेड है। ये सीढ़ी जो है ये चेन स्टेयर है, ये चेन स्टेयर की सीढ़ी है। ये किस प्रकार ये बांधनी है और किस प्रकार से इसके जो रिंग का साइज है वो लेना है, वो चलिए आज आपको हम बताते हैं। और बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताएंगे जिससे किसी भी प्रकार का साइज हो चैन पौड़ी का स्टेप का, उसका साइज आप जो हम देसी तरीका आपको बताएंगे उससे आप कभी भी चेक कर लेना है, बिल्कुल करेक्ट जो है वो साइज आएगा। जैसे यहाँ पे ये रिंग है हमारा, ये रिंग हमारा बना हुआ है, ये 8-10 का साइज की ये सीढ़ी है, 8 इंची इसकी जो राइज है और थ्रेड है जो वो 10 इंची है। तो ये रिंग किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से इसका साइज लेना है ये चलिए आपको हम बताते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ये जो रिंग है ये 8 इंच बाय 10 इंच का है, तो इसका साइज जो है हमें किस प्रकार काटना है। जैसे हमने ये रिंग के साइज का पीस काट लिया है तो ये किस प्रकार हमें इसकी पेमाइश करके ये काटना है। तो ये जो ये थ्रेड है इसकी 10 इंची है, तो 10 इंची ये और 10 इंची ये, 8 इंची ये और 8 इंची ये, 8, 8, 16, 20, 36 और 36 इंच के अंदर हमें 13 इंच को प्लस करना है, तो हमारा 55 इंच हो जाता है, जो 4 फुट 1 इंच हमारा बनता है। तो कोई भी साइज हो हमारा सीढ़ी का, कोई भी साइज हो, 6 इंच बाय 10 इंच हो या 8 इंच बाय 10 इंच हो, 7 इंच बाय 10 इंच हो, स्टेप का साइज कोई भी हो, उसके अंदर आपको उसकी ये सब राइज और थ्रेड प्लस करके उसके अंदर 13 इंच हमें प्लस करना है। तो जो भी प्लस करके हमारा साइज आएगा वो हमारे रिंग का जो है वो पीस का साइज बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 49 इंच बना है, तो ये हमारा 4 फुट 1 इंच का हमने ये पीस काटा है, तो ये हमारा रिंग का साइज है। अब इसको हम आपको बनाकर दिखाते हैं 8-10 का रिंग, जिसमें हमारी ये स्ट्रिप भी बनेगी और जो साइज है वो प्रॉपर 8 इंच बाय 10 इंच का यहाँ पे रिंग है। यहाँ पे अड्डा और ये कर रखी है हमने रिंग के मार्किंग। रिंग की जो मोटाई है वो सिर्फ हमारी 2 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारी मोटाई आती है ये 2 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेन स्टेयर की जो कास्टिंग है वो सिर्फ 2.5 से 3 इंच तक हमारी होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगी तो हमारी जो कास्टिंग है वो ज़्यादा बनेगी। इसमें हमारा जो ये बड़ा हुआ साइज है ये हमारी स्ट्रिप के लिए है, जहाँ से हमारा रिंग बंद होगा। ये बन गया हमारा रिंग, अब इसका हम आपको साइज दिखाते हैं क्या होगा। तो जो इसका साइज हमें लेना है वो इस चीज से बाहर लेना है मोटाई के बाद। तो यहाँ पे ये प्रॉपर 10 इंच का ये देखिए साइज यहाँ से यहाँ तक आ गया और यहाँ से ये 8 इंच का। तो ये तरीका है जो चेन स्टेयर का रिंग बनाने का जो तरीका है वो ये है, इससे कि हमारा किसी भी साइज की सीढ़ी जो जिसकी थ्रेड या राइज जो भी हो, राइज हमारी ऊंची होती है यहाँ पे 8-10 का है, कुछ लोग 7 इंच के चढ़ाते हैं राइज, कुछ 6 इंच है, कुछ 6.5 इंच का। आपकी किसी भी प्रकार का साइज अगर आप हमारा मेथड यूज करेंगे तो आपका जो रिंग है वो प्रॉपर कटेगा। इसकी जो मोटाई हमें रखनी होती है ये 2 इंच से 2.25 इंच तक हमें रखनी होती है, इससे ज़्यादा इसकी जो है वो मोटाई ना रखें। जैसे यहाँ पे बाहर से बाहर जो है ये 2.25 इंच यहाँ पे इसकी रिंग की मोटाई है, क्योंकि जो सीढ़ी की स्लैब की कास्टिंग होती है वो हमारी 3 इंची होती है।